नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं नेपाल में जलजिले के बाद जो बढ़ता हुआ इंसानी जानों का नुकसान है उस पर इंतहाई आप सबके बिहाफ पे पाकिस्तान के बिहाफ पे इजहार अफसोस करना चाहता हूं। हम अमूमी तौर पे पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर डेवलपमेंट को गौर से नहीं देखते, लेकिन बताया जाता है कि अब तक 5000 से ज्यादा अमवात जो है वो सामने आ चुकी हैं और कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो 10000 तक पहुंच सकता है। मैं आपको याद बता दूं कि पाकिस्तान बाकी दुनिया के ममालिक की तरह उन ममालिक में है जो नेपाल में जलजिले के बाद इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक इशू जिसे हम आपके सामने आज इस प्रोग्राम में लेके आएंगे कि आजाद कश्मीर में मीरपुर आजाद कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर ने वाबडा को हुक्म दिया है कि मंगला डैम को मजीद न भरा जाए, क्योंकि वहां यह खौफ है कि अगर डैम को मजीद भरा गया तो मंगला डैम में शगाफ पड़ सकता है जिससे आजाद कश्मीर और पंजाब के बहुत से इलाके जेरे आब आ सकते हैं। इस पर बड़ी डिटेल से हम आज इस प्रोग्राम में बहस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज हम करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब तलाल चौधरी साहब पीएमएलएन से, और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शहरयार आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और हम बड़े खुश हैं कि तलाल चौधरी साहब को आज किसी ने हाईजैक नहीं कर लिया और तलाल चौधरी साहब जो है वो हम तक पहुंच गए हैं। दो इश्यूज जो है नाज़रीन हमारे सामने हैं, दोनों बहुत दिलचस्प इश्यूज हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन ने जब से अपने नए सवाल उठाए हैं तीन, तो तमाम सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जिसमें एएनपी भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, वो अजीब परेशान परेशान है कि इन सवालों के जवाब जो है वो क्या दिए जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के बाद एक ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन बड़ी सियासी जमातों के मंजर आमा से गुम हो चुकी है। यहां से हम बात का आगाज करते हैं। जनाब शहर आफरीदी साहब, क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि कुछ खासी परेशानी पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब से नया क्वेश्चन है रेज कर दिया है जुडिशियल कमीशन ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, ऐसी ये जो परसेप्शन है, सही नहीं है, बिल्कुल टोटली डिसएग्री विद दैट। हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट हैं और जो भी हमने क्लेम किया अभी तक उन तमाम चीजों पर हम कायम हैं एंड वी हैव प्रोवाइडेड एवरी सिंगल मटेरियल टू जुडिशियल कमीशन। एक एक आपका इल्जाम रद्द कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने आज जमा कर दी। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं और उन क्वेश्चन मार्क्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो अ पार्टी टू इट। वो उसके पास अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए उनके पास और है क्या? हम ये बात कर रहे हैं पूरी कौम के आगे, और ये जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये ऑलरेडी सब्जुडिस है। इसके बारे में ये कहा गया है कि पैमरा रूल्स के मुताबिक भी कि आपने इसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना है, इसको ओपन नहीं करना। इन स्पाइट ऑफ दैट हम इसको अभी डिस्कस करने लगे हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को और सबको अंडरस्टैंड करनी है, नहीं आप क्या चाह रहे हैं हम डिस्कस ना करें? नहीं, हम डिस्कस करें, बट हमने ये चीज जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी जुडिशियल कमीशन की हियरिंग होती है उसको सीक्रेट रखा जाए, और इसको जब टाइम आएगा जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारी इस केस को तकवीयत कब मिलती है? जबकि 22 पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में हम जाते हैं तो हमें शेम शेम कहा जाता है, और वो जुडिशियल कमीशन के आगे सामने कहते हैं कि जीपीजीआई का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। इससे बड़ी चीज और इससे बड़ी तकवीयत हमारे इस मौकिफ को क्या मिल सकती क्या मिल सकती है? जी तलाल चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूं पिछली दफा की जो मिसअंडरस्टैंडिंग रास्ते में, मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर और इसकी बिल्कुल दिल के साथ कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा या आपके प्रोग्राम में, मैं उसकी बड़ी माजरत चाहता हूं। हम वेट करते हैं। मैं वो तो हो गया, बहुत शुक्रिया। और ये ऑन एयर मैं ये सब लोगों के लिए आपकी बड़ाई है, आपकी बड़ाई है। नहीं नहीं जनाब, डॉक्टर साहब बात ये है, 21 पार्टियों को आप साइड पे रहने दें, वो पार्टियां दो साल से कंपेन नहीं चला रही थी, वो पार्टियों की मर्जी मुशावरत से टीओआरज नहीं बने, कमीशन उनकी मर्जी से, वो तो बनाना नहीं चाहते थे, उनमें से जो बड़ी पार्टियां आज उधर गई हैं। नहीं तो फिर क्यों गए? मैं एक पार्टी जिसने दो साल एक कंपेन चलाई, कौम को तीन चीजें समझाई, भाई ये एक डिजाइन था, एक प्लान बना, उसका एक प्लानर है, उसमें फलां फलां लोग शामिल हैं, उन लोग शामिल के बाद इस तरह इस तरह इस तरह ये रिजल्ट जो आए, इस पे उन्होंने अपनी पूरी कंपेन की, और उसके बाद उसको पीक पे पहुंचाया, लॉन्ग मार्च, धरने, और उस पर क्या क्या किया,
اس کے بعد یہ آرڈیننس کے تحت یہ کمیشن بنا. اس کمیشن کی 4 ہیرنگز ہو چکی ہیں. 4 ہیرنگز آج کے دن تک, جب تک کہ یہ کوشچنئر ریٹن فارم میں انہیں نہیں ملا, نہ یہ ڈیزائنر کا بتا سکے, نہ یہ کیا ڈیزائن تھا اس کا بتا سکے, نہ یہ بتا سکے کس نے امپلیمنٹ کیا تھا. اور اس کے بعد میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, آپ اور میں آپ رپورٹ کرتے رہے, یہ کہتے رہے کہ بھائی ایک وہ جسٹس رمدے, ایک جسٹس چیف جسٹس ہے, ایک اردو بازار ہے, ایک جیو گروپ ہے. کہاں ہیں آپ نے؟ آپ نے تو اس کو گواہوں میں بھی نہیں بلایا ان کو. ایبسولوٹلی. اب بات شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی پلانر کون تھا, کس نے ڈیزائن کیا, کون اس کے پیچھے تھا, اور ہم نے بکول ان کے 2 سال کیمپین لانچ کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, بالکل کی, اور اس کا ریزلٹ پوری قوم کے سامنے ہے جوڈیشل کمیشن کی شکل میں. سب سے پہلے آتے ہیں آرٹیکل 219 کیا کہتا ہے, کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ نہ آر اوز کو ایڈریس کر سکتا ہے, نہ ان کو ڈیوٹیاں اسائن کر سکتا ہے. ہی وینٹ آل دا وے ٹو لاہور, ہی ڈیڈ دیٹ, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ ایک الزام ہے. جی ایک آگے آتے ہیں. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو پوری پاکستانی قوم کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے, میرا کوشچن یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب ابھی الیکٹ نہیں ہوئے اور وہ اسپیچ کرتے ہیں, اور آل آف اے سڈن وکٹری اسپیچ, وکٹری اسپیچ, اور آل آف اے سڈن آر اوز کہ آپ نے اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ابھی ایک چیز دیکھی ہے, بائی الیکشن میں دیکھا ہے کہ ریزلٹ کب سامنے آئے. آج بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے ریزلٹ جو ہیں ابھی تک فائنل ہمیں نہیں ہینڈ اوور کیے گئے, یہ ایک ایسٹیمیٹڈ اور ایک جنرل پرسپشن کے تھرو ہمیں ریزلٹ دیے گئے. اگلا موسٹ امپورٹنٹ, ہم یہ کہتے ہیں کہ فار اے منٹ ہم ان کی ایک آرگومنٹ ایکسپٹ کر لیں, ہم اپوزیشن میں ہیں. میں کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اپوزیشن میں پارٹی ہوتی ہے, اپوزیشن کے پاس نہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, نہ نادرا ان کے انڈر کنٹرول آتا ہے, اور پھر وہ جو 6 ارب روپے میگنیٹک انک کے لیے دیے گئے تھے جس کا کام تھا کہ الیکشن کروانا فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, پھر آگے پیچھے اور چلے جاتے ہیں. نہیں لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایک انکوائری انکوزیٹوریل کمیشن بن جائے گا. اعتزاز احسن کا بھی خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو ایک انکوائری کرنی چاہیے آپ, لیکن جوڈیشل کمیشن کے رویے سے یہ لگ رہا ہے, ان کی ٹرم سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی مواد ہے, جو بھی ایویڈنس ہے, اس کو لا کے ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے قانونی شہادت کے تھرو. میرا خیال ہے یہی چیز جو ہے وہ طلال کہہ رہے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھیلے کھولے جائیں, جیسے کہ اعتزاز کہتے ہیں کہ تھیلے کھولے جائیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آرٹیکل 219 کا حوالہ دیا, پھر اس کے بعد جاتے ہیں فارم 14, فارم 15, بیگز کی سیل کھلے ہوئے ہیں اور ان میں سٹفنگ ہوئی ہوئی ہے, پھر آپ کم و بیش اس پہ اعتزاز احسن کی ناظرین جو ہم نے کل اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بات چیت کی, انٹرویو کیا تھا, اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو چھوٹا سا دکھاتا ہوں, پھر طلال صاحب کی طرف آتا ہوں کہ اس کا ریسپونڈ کریں. سوال یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. موسٹ پرٹیننٹ ریکارڈ کون سا ہے, سب سے موضوع ریکارڈ کون سا ہے؟ وہ جو پولنگ بیگز کے اندر محفوظ ہے جس پہ سیل لگی ہوئی ریٹرننگ. وہ تو بےچارا عمران خان بھی کہتا ہے بےچارا یہی کہہ رہا ہے بےچارا 1.5 سال سے. ہم نے کیا موقف ہوگا؟ ہم نے کہا ہمارا تو ڈاکومنٹ جن پہ ہم ریلائی کرتے ہیں وہ سارے پولنگ بیگز میں ہیں, دے آر ڈاکومنٹ. ٹھیک. اور ایک NA-124 کو جب ہم نے ایگزامن کیا تو اس میں ایسے بیگز بھی نکلے سرٹیفائیڈ جن میں ردی بھری ہوئی تھی, ویسٹ مٹیریل تھا, ٹوٹل ڈسٹرکشن آف آل الیکٹرل مٹیریل, اور اس کا بھی اس پولنگ اسٹیشن کا بھی نتیجہ دیا ہوا ہے جس کے بیگ میں سے تھیلے میں سے ردی نکلی ہے. اگر کمیشن ان دستاویزات میں پڑ گیا جو پارٹیز پیش کر رہی ہیں تو پھر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا صرف ان کو دیکھے گا پھر فیصلہ نہیں ہوگا, یہ بیگ کھولنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب 402 پٹیشنز ٹربینلز میں, ٹربینلز میں کسی ایک نے یہ گراؤنڈ نہیں لیا. کسی آر اوز والا بیان آ چکا تھا اسف زرداری صاحب سے پہلے جب وہ پٹیشن دارج ہوئے, عمران خان پہلے سے بات کر رہے تھے, یہ بیان آپ کا کسی نے نہیں کہا کہ تھیلے کھولو. کس نے 402 میں کسی نے گراؤنڈ نہیں لی کہ یہ منظم دھاندلی تھی؟ 402 لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں. اس کو ذرا تفصیل سے بات کریں, ایک بریک لے لیتے ہیں لازمی. میں چاہوں گا کہ طلال چوہدری صاحب ذرا مفصل انداز سے اس کو ایکسپلین کر سکیں آفٹر دا بریک.
नासिर वेलकम बैक, बात को आगे बढ़ाते हैं। तलाल साहब, आप एक्सप्लेन कर रहे थे एतजाज साहब का, जो मैंने आपको टुकड़ा दिखाया कि जब तक ये बैग खुलेंगे नहीं, उन बैग्स के अंदर ये देखा जाएगा कि फॉर्म 14 है, फॉर्म 15 है, उसमें वोट किस शक्ल में पड़े हैं, बैलेट की क्या कंडीशन है, उसकी क्या हालात है, वहीं से पता चलेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम सब कुछ छोड़ दें, हम आपके प्रोग्रामों पर चले जाएं, आज से 2 साल पहले जब इलेक्शन नहीं हुआ था उससे 2 माह पहले के, आप सर्वेज निकाल लें, उसकी क्या अहमियत। मैं उस पर ना देखिये ना, सर्वेज आखिर लोग करते हैं पूरी दुनिया में। उस वक्त जो सर्वे किए गए, गैलप ने क्या किया, IRA ने क्या किया, क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मुझे ये वो अब रेलेवेंट होंगे। मैं एतजाज अहसन साहब का जवाब दे रहा हूं। मुझे ये बताइए, एतजाज अहसन साहब की मिसेज ने 6000 वोट लिया सिर्फ, क्या लाहौर के बाकी 13 हलकों में कोई और पोजिशन थी कि किसी ने लाख लिया था और इनको 6 मिला? सारी दुनिया जानती, पीपल्स पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता। उस रिजल्ट तो कंटोनमेंट बोर्ड में 3% सीटें ली हैं उन्होंने, 3%। भाई आप देखिए ना, ये तो एक ब्रॉड आर्गुमेंट है ना, देखिए ना आप जस्टिफाई, वो जो कह रहे हैं कि बेकायदगियों को देखने का, मैं उस पर तरीका वो बता रहे हैं कि भाई आप बैग खोलेंगे तो पता चलेगा, वो उस पर आपको क्या खौफ है, क्या एतराज? मैं बेकायदगियों, ठीक हो गया ना, फिर हम कहते हैं ये अपने पुराने चार्जेस जो है ना वो कौम के सामने माफी मांग लें। पुराने चार्ज चीफ जस्टिस इफ्तखार से 35 पंचर, उसके बाद रमदे, फिर उसके बाद फखरू भाई, फिर उसके बाद जियो, फिर उर्दू बाजार। कौम को कहें कि हमने वो जो आपको वीडियो ऑडियो सुनानी थी ब्रिगेडियर की, वो भी झूठ था। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए कनेक्शन क्या है, कहानी सुनाई गई ये इन 5 आदमियों के इर्द गिर्द कि ये प्लान करने वाले और इंप्लीमेंट। आज कहानी कहां, ये कहां चले गए? आज थैलों में क्यों नहीं बुलाया आपने? नजम सेठी को क्यों नहीं बुलाया आपने? मीर शकील को क्यों नहीं? पंक्चर लगवाने वाले को जो ड्यूबियस रोल उसका था, आज ICC के चेयरमैन बनाने लेके जा रहे, उनको किस सिले में ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है? PTI नहीं, पूरा पाकिस्तान पूछना चाह रहा है। फिर चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जिसको जब हमने चैलेंज किया, उसके बारे में ये क्यों खामोश रहे? और सबसे बड़ी जो बात है, जो तकवीयत मिलती है कि जब पार्लियामान में वापस आए आपके साथ डार साहब, पूरी पार्टी, आप एक तरफ आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं नंगे पांव जाऊंगा, इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्लियामान में वापस आए, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब के चीफ जस्टिस स्पीकर साहब को लिखते हैं कि ये बंदे जो हैं ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आईन की, ये क्या तलाल तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों पर आप इल्जाम लगाते रहे, जैसे नरम सेठी हो गए, मीर शकील हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, उनको फिर आपने सबमिट क्यों नहीं किया? उनको समन करना था ना आपने जुडिशियल कमीशन के सामने, वो आपने क्यों नहीं किया? देखिए जी, मैं यही कह रहा हूं कि हम तमाम कार्ड्स बिफोर टाइम जुडिशियल कमीशन को जो जो चीजें हमने प्रोवाइड की हैं और आगे जो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने जो एड दिया था, क्यों दिया था, जिसको नेगेटिव लिया लोगों ने, हमने ऐड इसलिए दिया कि जो हमारे केस को तकवीयत मिलती है 21 पार्टीज के अलावा, कि वो तमाम लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कोई प्रूफ है वो भी हमें पहुंचाई जाए। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो गट्स हैं, ये जो आज स्टैंड लिए जिसके लिए आज जुडिशियल कमीशन बना, जो आज NA 246 का जो इलेक्शन सामने आया जिसको PTI मनोअन कबूल करती है, कंटोनमेंट बोर्ड, ये क्या ये तकवीयत नहीं मिलती कि रेंजर्स की मौजूदगी में फ्री इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और उसका जो भी रिजल्ट आए, इलेक्शन का प्रोसेस क्लियर हो? और मैं तलाल से उसमें जीत गए ना ये इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड में, इन्होंने 67 सीटें ली। ये एक कहां से ये जीते हैं? सिर्फ पंजाब से। इनकी बाकी खैबर पख्तूनख्वा से एक सीट इन्होंने एबटाबाद में ली है, खैबर पख्तूनख्वा से आउट हो गए। बलूचिस्तान में इनकी एक सीट है और 2 सीटें इनको मिली हैं सिंध से, ये भी एक रीजनल पार्टी की शक्ल में। आपने पिंडी से कोई सीट नहीं ली? पिंडी से नहीं ली, दोनों वार्ड की, खैबर पख्तूनख्वा में, लाहौर से आपने 5 सीटें ली है, कराची से हमने ली है। हमने देखिए, हमारी प्रेजेंस पूरे पाकिस्तान में है, हम नेशनल पार्टी की शक्ल में उभर के सामने आए हैं। मेरी जो हम्बल प्ली है, आज अगर एक सेकंड के लिए हम इनकी आर्गूमेंट को अगर बाय करते हैं कि जी एतजाज अहसन साहब की एलिया ने 6000 वोट लिए, यानी इलेक्शन लड़ना अगर आपके 500 वोट भी हो और इलेक्शन प्रोसेस क्लियर ना हो और अगला 1 लाख वोट ले ले, जैसे नबील गबोल साहब ने कहा, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जो कि आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि एक हल्के मैंने 246 में क्यों इतने वोट पोल नहीं हुए, इतना टर्नआउट क्यों नहीं हुआ, बाय इलेक्शन में टर्नआउट क्यों इतना ज्यादा नहीं हुआ? और इनसे मेरा ये जो आखिरी सवाल है कि जब आपके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहते हैं कि 60-80 हजार वोट अनवेरिफाइड है, नादरा आपके अंडर है, नादरा के चेयरमैन को आप जिस तरह बाहर करते हैं, फिर आप
کون سی لاجک ہے, کون سی منطق ہے جو کہ فخر جی ابراہیم صاحب اور ان کی ٹیم نے جو الزامات, دو سوالوں کا آپ بھی ڈاج کر گئے. ایک انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 11 بجے تقریر کرنی شروع کر دی وکٹری کی, حالانکہ آپ دیکھیں الطاف حسین نے ویٹ کیا جب تک پورے ریزلٹ نہیں آ گئے, اس نے ایک ہلکے کی بھی تقریر نہیں کی, کنسیشن کی جو تقریر جس کو کہتے ہیں فتح کی. دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آر اوز کے ساتھ خطاب کیا, یہ دو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے تھے, آپ نے جواب نہیں دیا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ چیف جسٹس کا نمبر ایک پہ نام ہونا چاہیے تھا کہ بلائے کورٹ, آر اوز کا خطاب جو تھا اس کا ٹرانسکرپٹ منگائے کورٹ, وہ موجود ہے, چیف جسٹس صاحب زندہ ہیں اللہ کا شکر ہے, بلائیں نا انہیں اور ادھر پیش کریں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں بلایا جسٹس رمدے کو؟ آپ نے کیوں اردو بازار والے کو لاجک ہے کمال کر دیا, کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیں میری بات, الزام آپ کہہ رہے ہیں, الزام تھا تو بلائیں. الزام دیکھیں ہیئرنگ ختم ہو گئی ہے, میرا کوشچن گواہ دینے کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا مطلب بلا سکتے ہیں؟ بالکل گواہ دینے کا ٹائم پروگیٹو, دیکھیں پروگیٹو آپ کا نہیں, بورڈ نے کہا تھا کہ یہ آخری ڈیٹ ہے سچن, نہ نہ انہوں نے کہا گواہوں کی لسٹ. میری بات سنیں اور اس کے بعد یہ کوشچن. لیٹ اس پلے آر کارڈ ان آر اون پروفیشنل وے, وی ہیو ہائرڈ لیگل لائرس فار دیٹ. ہمارے لائرس تمام ہر چیز کو باقاعدہ مانیٹر کے ہر چیز کو پروفیشنلی گیج کر رہے ہیں. ہم آپ کی اپروچ اور آپ کی ڈکٹیشن پہ نہیں جانا چاہتے. جو بھی ریسپانسبل لوگ ہیں دے ول بی پینلائزڈ اینڈ انشاءاللہ ٹائم ول پروو اٹ ٹو یو. ایک منٹ جی, یہ ادھر بیٹھ کے کہہ دیں میں اپنے حساب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ میرے مجھے رگنگ کا پتا ہے, نہ میری پارٹی, میں میرا نالج, میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے آیا ہوں اور نہ میں نے ایسا کوئی اپنی پارٹی میں الیکشن سے پہلے یا بعد میں سنا ہے. میں نے یہ پڑھ دیا, انہیں کہ پڑھ کے کوئی ایک کورٹ میں کہہ دے ہمیں سزا دے. جناب کیا کورٹ میں کہہ دے, کیا کورٹ میں کہہ دے کہ اس طرح آپ تو روزانہ سٹیٹمنٹ بدلتے ہیں. کوئی سٹیٹمنٹ, دیکھیں میری بات سنیں, اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے, اللہ کا جو سسٹم ہے قدرت سے پہچان. میں نے جو ان سے پوچھا تھا کہ جب چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آر اوز کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتے, ان کو ڈیوٹیاں ہی نہیں دے سکتے, وہ لاہور جاتے ہیں سب چیزیں خود کرتے ہیں, پھر آپ نے ایک بندے کو انٹرم چیف منسٹر بنایا جس نے بھی بنایا لیٹس سے, اس کے بعد آپ اس کی ایک ریسپانسبلٹی دیتے ہیں, چیف جسٹس کے بیٹے کو انویسٹمنٹ وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں بلوچستان کا, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آج وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد 6 ارب روپے مقروض قوم کا جو میگنیٹک انک کے لیے تھا اس کے لیے انیشیٹو نہیں لیے, نادرا کے ڈیٹا کے حوالے سے آپ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا, چار ہلکے تو آپ سے کھلے نہیں گئے, آپ نے پھر یہ جو پورا جوڈیشل کمیشن بنا اور یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن. بریک لے لیں, بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ طلال اس کو ریسپونڈ کریں جو کچھ کہہ رہے ہیں افریدی صاحب. آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. طلال شاہ صاحب, ایک پروگرام میں آپ نے یہ کہہ ڈالا, آپ نے یہ کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن تو ہم نے پی ٹی آئی کو فیس سیونگ دینے کے لیے بنایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی جوڈیشل کمیشن کو کوئی سیریس نہیں سمجھتے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کو یہ بات نہیں کہ سیریس نہیں سمجھتے, یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ایم او یو رکھتا ہوں, یہ جوڈیشل کمیشن کا ہے, اس میں ہم نے کلیئرلی لکھا ہے کہ پی ایم ایل این ڈز ناٹ ایکسپٹ دی ایلیگیشن. ہم تو ایلیگیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے, ہم کیوں کمیشن بنائیں گے؟ کیوں بنانا ضروری ہوا ہمارے لیے؟ ہم ایک حکومت چلا رہے ہیں اور اس حکومت میں پاکستان اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ اس ملک میں اکیلا لڑ رہا ہے, وہ ہے ضرب عزم. ہم کراچی آپریشن, ضرب عزم, لوڈ شیڈنگ اور بجلی اور بیروزگاری, مہنگائی کے بحران سے گزرے, ہمیں آن بورڈ لینا ہے تمام بڑی پولیٹیکل فورسز کو. اور ہماری ایک اور مجبوری ہے, 4 صوبوں میں 4 حکومتیں ہیں, جب تک وہ حکومتیں آن بورڈ نہیں ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساری جو ہے ایک متحد ہو. پالیسیز نہیں چل سکتی. ایک چیز دیکھیے, بہت ایک دلچسپ ٹرینڈ آیا ہے کہ کنٹرولر بورڈ کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوسری جماعت کی حیثیت سے نظر آتی ہے. 43 انہوں نے لی ہیں, 68 آپ نے سیٹیں لی ہیں, تقریباً 200 وارڈ تھے, 199 وارڈ تھے, پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 7 اس میں سیٹیں مل سکی ہیں, ان کی 43 سیٹیں, یہ 6 گنا پلس ہو گئی ہیں. ابھی ریسنٹ جو آزاد انڈیپینڈنٹ تھے میجورٹی وہ پی ٹی آئی میں. اچھا, تو یہ ان سے 6-7 گنا زیادہ بڑی جماعت نظر آتے ہیں, جبکہ پارلیمنٹ میں جو الیکشن کے نتائج ہیں 2013 کے, یہ ان سے ایک چھوٹی جماعت نظر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سڑک کی حقیقت کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. سب سے پہلے تو
ये जो सीटों के ये कह रहे हैं तो हमारी भी 100 के करीब उसके हो गई हैं, जो लोग हमारे अपने थे जो कि आजाद हमने वहां उम्मीदवार खड़े चमन आजाद थे। ये जो इलेक्शन है देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना वो हकीकत में कम अज कम पंजाब से तो खत्म हो चुकी कोई मेरे 2013 के इंतखाबात में फिर भी वो बड़ी पार्टी देखिए 2013 में हम निकाल लें रिजल्ट ज्यादातर में वो थर्ड है जहां पर मुकाबला पीटीआई और नून का हुआ है पंजाब की बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिंध में उन्होंने मुकाबला जरूर किया है केपीके में भी वो थर्ड रहे ज्यादातर वो अपनी हैसियत जो है ना वो बहुत हद तक खो चुके मैं इसमें कोई और आप आइंदा रिजल्ट कोई जिमनी इलेक्शन निकाल लें कोई रिजल्ट निकाल बात ये नहीं हो रही कि कौन अपनी पोजीशन खो चुका है कौन नहीं खो चुका बात ये हो रही है कि ये अगर 2/3 मेजोरिटी लेके पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये भी तो रिस्ट्रिक्ट हो गए खैबर पख्तून अबटाबाद मानसेरा साइड इनका गढ़ था वहां से ये एक सीट लेके जाते हैं और आगे आते हैं इलेक्शन 2013 के हवाले से चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर उनके हलके से जब इलेक्शन होता है हमारा बंदा अरेस्ट करवा के 4 दिन बाद रिजल्ट आउट होता है कोई आवाज नहीं उठाई जाती कोई पूछने वाला नहीं है और फिर एक और चीज मंतक जो इनकी हमें समझ में नहीं आ रही अगर इनको आज लग रहा है कि जुडिशियल कमीशन में हियरिंग या सारा कुछ सही नहीं हो रहा तो ये 4 हलके टाइम पे क्यों नहीं खोले और ये आपने चूंकि निसार साहब का जिक्र कर दिया ये देखिए ये मतलब एक अखबार है जो कि मतलब खासा आपका हलीफी है तो इसमें इस नवाज निसार ब्रेकअप पर डिसाइडेड एक स्टोरी छपी है और इसमें ये दावा किया गया है कि निसार साहब जो है वो ना तो चीन के सदर के दौरे के दौरान जितनी मीटिंग्स उसमें नहीं आए इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग है उसमें चौधरी निसार नहीं आते जब चौधरी निसार जो है बरतानिया और अमरीका का दौरा करके आए तो उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ नहीं किया तो वजीर आजम और चौधरी निसार जिनका 30 बरस का साथ था वह उनके दरमियान बिल्कुल मतलब एक टेंशन और उनके हालात खराब है क्यों हुआ है साहब की जमात सबसे पहले तो अफरीदी साहब ने कहा कि भी हम समझते किसे नहीं कमीशन की जो हियरिंग्स हैं वो बड़ी कोई सीरियस नहीं ऐसी कोई बात नहीं हम उसका रिजल्ट भी मानेंगे हमने तो बनाया है हम तो उनकी इज्जत और तहरीम के लिए हम तो तहरीके चलाते रहे ये जो आप बात करते हैं ना एक बात डॉक्टर साहब आप मेरे से ज्यादा सियासत को जानते हैं चौधरी निसार की सियासत का आगाज भी मियां नवाज शरीफ था और इख्तिताम भी ये होगा उनके दरमियान ऐसे तल्लकात हैं ये जो मुसलसल स्पेकुलेशन हो रही है मुसलसल शेख रशीद साहब तो अरसे से लगे हुए लेकिन अब और लोगों ने भी कहा अगर गलत फहमी कोई हो भी उनके दरमियान प्यार और मोहब्बत का ऐसा एहतराम का रिश्ता है कि वो दोनों बैठ के सॉल्व कर लेंगे मेरे जैसे कि तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं और ये वो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं आप अगली रो हमारी देख लें जिस दिन हम आए थे जिस दिन हम जाएंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे यही रो इसी तरह अफरीदी साहब ये इमरान खान साहब ने जो ट्रिब्यूनल था अपना इलेक्शन का जस्टिस वजी का उसको बर्खास्त कर डाला उसको डिसबैंड कर दिया ये तो बड़े अजीब सी बात लग रही है कि एक ट्रिब्यूनल जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसी को इमरान खान साहब ने पहले उसके सामने पेश भी नहीं हुआ उसको खत्म भी कर डाला देखिए जी सबसे पहली चीज ये है कि खान साहब ने वो तमाम फैसले जो इन्होंने हमारी इलेक्टेड जो पार्टी के जितने इलेक्टेड रैप्स थे वफाक से लेकर यूसी के लेवल तक तमाम सूबों में वो मनोअन कबूल किए अब बात यह है कि इस टाइम पे पार्टी ने यूनानिमसली कोर कमेटी ने और थिंक टैंक ऑफ पीटीआई ने डिसाइड किया और इनकी आपस में डिस्कशंस हुई अब मैं अंदर की बात जो इनके बीच में हुई उसका तो मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं अगर तहरीक इंसाफ इन चीजों से खायफ होती तो इस क्रूशल टाइम पे जब कंटोनमेंट बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं वो क्यों अपने प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट और तहसील यूसी लेवल के तमाम वो लोग जो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस इलेक्शन लड़के विद इन पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन के थ्रू जो आए थे ये एक अजीब सी कंफ्यूजन जो बनाई गई है ऐसा कुछ है नहीं अगर इसको परसीव लोग अलग अपनी तरीके से कर रहे हैं तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट तलाल साहब चले वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन ऑन द जुडिशियल कमीशन में अब अगर एतजाज एहसन जो कि एक बड़े माया नाज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं सीनियर बंदे हैं वो अगर जुडिशियल कमीशन को कन्विंस कर लेते हैं कि वो ये बैग खोलने पे आ जाए और उसकी एविडेंस ढूंढने लग जाए तो फिर आपको इस पे एतराज होगा देखिए एतराज होगा या नहीं वो तो हमारी लीगल टीम उधर बात करेगी लेकिन अभी नहीं, तक आप भी जाते हैं ना देखिए मैं जाता हूं तो स्पोक्समैन है आप बाहर निकल के उस पर स्टेटमेंट देते हैं देता हूं वो तो देखिए मैं खुद उम्मीदवार रहा हूं और मैं अपनी जाती हैसियत में भी जा सकता हूं और यकीन मैं पार्टी कोशिश कर रहे हैं मैं उसी पे इस वक्त डॉक्टर साहब बात क्या है यहां पार्टियां बातें कर बैठियां बहुत बड़ी आपको मैं उसी खोलने पे एतराज है मैं उसी पे आ रहा हूं ये बातें कर बैठियां बड़ी
ये कह रही थी इलीगैलिटीज हैं सिलेक्शन में, अब ये आप पता किस पे गए, इरेगुलरिटीज पे, क्यों? शर्मिंदगी मिटाने के लिए हमें थैले खुले या ये इलेक्शन? हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये इलेक्शन इतना शफाफ था पाकिस्तानी तारीख का कि पहले कभी नहीं हुआ। तो आईएसआई और आईबी का नाम और एमआई का नाम सुन के ये भागते ना, अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो चार हलके खोल देते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो नादरा के चेयरमैन को जिस तरीके से हटाए वो ना हटाते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो इनके दानियाल अजीज साहब 2000 के ट्रिब्यूनल्स के लिए इलेक्शन के रिजल्ट के लिए आज भी चक्कर काट रहे हैं, और एक और साहब हैं शाहबुद्दीन खान बाजावड़ से, अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो ये कन्फ्यूजन का इजहार आज भी इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, परवेज रशीद साहब कुछ वाइब्स देते हैं, और सबसे बड़ी बात विद इन पीएमएलएन इनके अंदर डिवाइड है, इनके अंदर कंफ्यूजन है, और आखिरी में बात चलिए ये वक्त साबित करेगा, ये वक्त साबित करेगा, दे आर एट द रिसीविंग एंड एंड दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करूंगा। आपके साथ बैठकर मैं ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था, मैं कहता रहा हूं कि पीटीआई पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी, और वो आज पुरानी तनख्वाह पर पार्लियामेंट के सामने चले, कल अब एविडेंस आ रही है, कल एविडेंस आ रही है जुडिशियल कमीशन के सामने। नाज़रीन ये हिस्सा हमारा खत्म होता है, वापस आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आजाद कश्मीर वीरपुर में डिप्टी कमिश्नर ने वापडा को रोक दिया है कि मंगला डैम को भरा न जाए, वहां क्या मसला है उस पर तफसील से बात करते हैं, शगाफ का खतरा है, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मीरपुर आजाद कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वाबडा को हुक्म दिया है कि मंगला डैम को मजीद ना भरा जाए। इसका बैकग्राउंड यह है कि मीरपुर कोटली जाने वाली जो सड़क है वहां पे मंगला डैम की दीवार, जिसे सही तरह से नहीं बनाया गया था, जब मंगला डैम की दीवार को ऊंचा किया गया, उसको बुलंद किया गया, इस हिस्से को ठीक तरह से नहीं बनाया था, और अब पिछले साल मंगला डैम को भरने की वजह से वो हिस्सा जो है वो बैठ चुका है, बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, और डिप्टी कमिश्नर और वहां के इंतजामिया को खतरा यह है कि अगर डैम को भरा जाएगा तो डैम टूट सकता है और आजाद कश्मीर और पंजाब के बहुत से इलाके जीटी रोड लाहौर तक जेरे आब आ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमने हासिल किए हैं उससे, और हम स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, उनसे यह पता चलता है कि कम अज कम भी नवंबर 2014 से जब डैम खाली हुआ और पानी पीछे हटा, तब से कमिश्नर मीरपुर चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर को और चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर वापडा के हुकाम यानी सेक्रेटरी वाटर एंड पावर को इस्लामाबाद में मसलसल बता रहा है कि यह सूरत हाल है और इसका सदेबाप निकालने की जरूरत है, लेकिन वापडा के हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब सूरत हाल यह है कि पानी वहां तक पहुंच चुका है कि शायद इसे ठीक करना और मरम्मत करना इस सीजन में मौसम गर्मा में मुमकिन ना हो, और अगर इस डैम को भरा नहीं जाता तो हुकूमत पाकिस्तान को पानी और बिजली का जो नुकसान होगा उसका तखमीना कम अज कम भी 23 अरब रुपए बताया जाता है, 23 बिलियन रुपीज। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मंगला डैम अमूर के, मंगला डैम अफेयर्स के साबका कमिश्नर जनाब चौधरी अमीर अफसल साहब, उनसे समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर ये इतनी अजीब जो सूरत हाल है कि मंगला डैम जो पाकिस्तान का एक बहुत ही जमाया पुराना डैम है उसके बारे में जो ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, इसकी वजह क्या है? इसकी डॉक्टर साहब बात यही है कि जैसे आपने कहा कि जिस वक्त ये डैम पहले बना था तो ये जिस जगह पे ये जो सेंसिटिव पॉइंट है इस जगह पे नाला था, वो नाला उस वक्त के जो कंट्रेक्टर थे उन्होंने उसको भरा और उसके ऊपर हाल रोड बनाई जो 70 फुट चौड़ी थी। अब उस वक्त तो चूंकि ये उस वक्त से मतलब आपका ये है चौधरी साहब के 1960 की दिहाई में 1966-67 में जब डैम बना था? जी जी पहला जो पुराना डैम है जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 1967 में वो कमीशन हुआ था, तमीर उसकी लेट 50s में शुरू हुई और फिर वो कंप्लीट हुआ जाकर 1967 में। उस वक्त क्योंकि यहाँ से सड़क गुजरनी थी, हाल रोड जिसको कहते थे, वो 70 फुट चौड़ी थी और दिन रात काम होता था और बड़ी हैवी मशीनरी गुजरती थी, वो इसकी मुसलसल कंपेक्शन करते रहते थे, लेकिन क्योंकि डैम की तरफ जो इसका स्लोप था वो उस पर पानी वो समर्ज नहीं होना था, यानी उसने पानी उसके उसके ऊपर नहीं आना था, लिहाजा उन्होंने इसको कोई ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। नतीजा अब हुआ कि जब इन्होंने रेज करने का प्रोग्राम बनाया, डैम को रेज किया गया 30 फुट यानी 1234 से 1264 फुट और पानी को रेज किया गया 1210 से 1250 तक।
नॉर्मल कन्वर्सेशन लेवल जो है वो पहले 1202 था, अब 1242। यानी चौल साहब आप ये कह रहे हैं कि 1960 की दहाई में बनने वाले डैम में इस सड़क को और इस बंद के हिस्से को खतरा इसलिए नहीं था कि उस जमाने में पानी का लेवल इतना नहीं होता था कि वो यहां तक आए, लेकिन अब जबकि पानी का लेवल 1250 फुट तक आता है तो पानी इस सड़क के इस डैम के हिस्से के बिल्कुल साथ आ जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यही सूरत हाल है। अब हुआ ये है कि जिस वक्त ये डैम इन्होंने डिजाइनर्स ने रेजिंग का लिए इसको बनाया, तो मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी असेसमेंट ये है कि इनसे ये ओमिशन हो गई और इस सेंसिटिव पॉइंट को वो ओवरलुक कर गए। लेकिन चल सर, हमने सुना है कि नेस पार्क इसका कंसल्टेंट था और नेस पार्क ने शुरू में यहां पे एक डाइक यानी डैम की दीवार रखी थी जिसे बाद में नहीं बनाया गया। मुझे डॉक्टर साहब इसका इल्म है कि खाली नेस पार्क नहीं था, ये कंसोर्शन था। इसमें ओरिजिनल डैम के डिजाइनर जो थे बिन्नी एंड पार्टनर, जिन्होंने पुराना डैम डिजाइन किया था, वो भी इस टीम का हिस्सा थे। तो ये मेरा अपने जाती ख्याल है, एज इंजीनियर मैं आपको कह सकता हूं कि उनसे ये ओमिशन हो गई है। अब एक ओमिशन हो जाना, एक टेक्निकली गलती हो जाना, वो इसमें हर वक्त ये प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन उसको हर वक्त जब इनको पता चल गया कि ये सेंसिटिव पॉइंट है। अच्छा चले, गलती हो गई, लेकिन नवंबर से हमारे सामने कागजात हैं कि कमिश्नर मीरपुर नवंबर से वापडा अथॉरिटीज को लिख रहा है, वापडा ने कोई इस पे एक्शन किया क्यों नहीं अभी तक? ये दरअसल इस तरह हुआ कि जब ये नवंबर की रिपोर्ट आई हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक न्यूट्रल ऐसा किया कि मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट के जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको कहा जी आप देखेंगे ये मसला क्या है। तो उसने और मैं भी उस टीम का हिस्सा था, तो हमने देखा, तो हमने साइट विजिट करके आप मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन या आप कह सकते हैं असेसमेंट बिल्कुल इनके असेसमेंट से गलत थी। ये कह रहे थे कि जी वहां रोड की वाइडनिंग से वहां की दीवार बनी है वो गिर गई है, इस वजह से ये इनिशिएट हुआ है ये फेलियर स्लोप का। अगर वापडा ने काम नहीं किया, इस वक्त खतरात हैं क्या? ये डिप्टी कमिश्नर ने वापडा को डैम भरने से क्यों रोका है? जी जी, मैं आज करता हूँ, खतरा ये है कि ये जहां से ब्रीच हो सकता है डैम, पानी ये बंद टूट सकता है यहां से, और यहां से अगर बंद टूटा तो दरअसल न सिर्फ ये कि ये न्यू मीरपुर सिटी जो अभी बना ये और नीचे मैं जो पीर शाह गाजी साहब का मजार है, अपर जेलम कनाल है, जेलम है, ये टाउन है, ये तीनों तक जाएगा पानी और इसमें जितने भी इस जेलम के किनारे पे टाउन है वो सारे मलियामेट हो जाएंगे, मलियामेट हो सकते हैं। अच्छा अब ये बताएं कि इस मौके पे ये मुमकिन है कि अगर वापडा कोशिश करे तो इसकी मरम्मत कर सके, यहां पे एक दीवार खड़ी कर सके, कि अब मुमकिन ही नहीं रहा इस मौके पे जब पानी आ गया? मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी इनके पास टाइम है, अगर ये दिन रात काम करें, वाश फुटिंग पे काम करें, डैम को थोड़ा सा इनको पानी निकालना पड़ेगा इसकी क्यों खाली करने के लिए, तो ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे जिस तरह इन्होंने अभी ये सेंसिटाइज नहीं हो सके या मूव नहीं कर सके तेजी से कि भाई ये इतनी ग्रेविटी की असेसमेंट ये नहीं इनको समझ आई कि ये कितना सीरियस मसला है, तो फिर उस अंदाजे को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कर सके। तो सर ये क्यों कहा जा रहा है कि 23 अरब रुपए का नुकसान होगा अगर डैम को नहीं भर सकेंगे? इतना ज्यादा नुकसान क्या बिजली का है सिर्फ? जी नहीं, ये सारा इसमें आबपाशी का नुकसान है। अब देखिए 2.9 मिलियन एकड़ फीट की जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो 29 लाख एकड़ को जो आबपाशी का पानी मिलना था वो नहीं मिलेगा, और उसके अलावा बिजली की जो है जनरेशन है वो नहीं होगी, ये मिला के 23 अरब रुपए का नुकसान होगा, ये नेशनल एक्सचेकर को नुकसान होगा, नेशनल एक्सचेकर नुकसान होगा। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। आजाद कश्मीर को 90 करोड़ रुपए का, आजाद कश्मीर को भी 90 करोड़ का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबका कमिश्नर मंगला डैम अफेयर्स। और नसीम, मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमने दुनिया न्यूज ने कम से कम 10 दिन से हुकामे बाला की वापडा की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की है, इसे न्यूज में भी चलाया गया, इस पैकेज को तमाम तफसीलात को दिखाया गया, उसके बावजूद अभी तक वापडा ने कोई रिएक्शन नहीं किया। वाटर एंड पार्क की जो स्टेट मिनिस्टर हैं जनाब आबिद शेरली साहब, उनके भी ये नॉलेज में है और हम तवक्को करते हैं कि पोलिटिकल लेवल पर इसका कोई सदेबाप करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हुकूमत जो है वो हरकत में आएगी। अगर डैम को खतरा है वो भी बहुत बड़ा मसला है, और अगर डैम को भरा जाता है तो उसके टूटने का खतरा है, और अगर उसको भरा नहीं जाता तो 23 अरब रुपए का मालिये का बिजली और पानी की सूरत में नुकसान है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नुकसान है एक गरीब मुल्क के लिए, और एक ऐसे मौके पे जब हम देखते हैं कि अभी लोड शेडिंग के मसाइल पे काबू पाया नहीं जा सका। देखते हैं हुकूमत क्या करती है। बहुत शुक्रिया।